तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन शोज के बारे में जो कि आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। एंड मोस्टली मैं आपको वही शोज बताऊंगा जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे विद डेट्स। तो बस फिर ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देख के जाना। अब गाइस, वैसे तो नेटफ्लिक्स का ये महीना 3 अगस्त से ही शुरू होने वाला है, पर जो मनी हाइस्ट सीरीज के डाई हार्ड वाले फैंस हैं उनके लिए ये महीना 2 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस दिन आने वाला है मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 1 का ट्रेलर। एंड इसके ट्रेलर का कौन कौन बेसब्री से वेट कर रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे मैं भी उनमें से एक हूँ। वेल, अगर बात करें 3 अगस्त की, तो इस दिन आपको 3 डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर। सबसे पहली है प्रे अवे, दूसरी है शाइनी फ्लेक्स द टीनेज ड्रग लॉर्ड, एंड तीसरी है टॉप सीक्रेट यूएफओ प्रोजेक्ट्स। एंड ये एक लिमिटेड डॉक्यू सीरीज होने वाली है। फिर आता है 4 अगस्त, एंड इस दिन आपको हार्डली 2 कॉन्टेंट देखने को मिलने वाले हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर। सबसे पहला है कोकेन काउबॉयज द किंग्स ऑफ मायामी, एंड एक लिमिटेड क्राइम ड्रामा सीरीज होने वाली है जिसमें आपको 2 दोस्तों के हाई स्कूल ड्रॉप आउट से लेके मायामी के किंग बनने तक की जर्नी देखने को मिलेगी। एंड दूसरा है कंट्रोल जेड का सीजन 2, एंड दोनों ही शोज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। फिर आता है 6 अगस्त, और इस दिन आपको 2 शोज देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है हिट एंड रन का सीजन 1, जिसमें आपको एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जिसकी वाइफ मिस्टीरियस तरीके से हिट एंड रन के एक्सीडेंट केस में मर जाती है, एंड उसकी वाइफ को किसने मारा, तो यही चीज आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। वेल, ये शो आपको हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेगा। एंड दूसरा है नवरसा का सीजन 1, और ये एक तमिल ड्रामा है जिसमें आपको 9 डिफरेंट इमोशंस और रस देखने को मिलेंगे, यानी कि 9 अलग अलग एपिसोड देखने को मिलेंगे। एंड फिर आता है 11 अगस्त, एंड इस दिन भी आपको हार्डली 2 ही कंटेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है बेक स्क्वाड का सीजन 1, जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, पर जो दूसरा कंटेंट है वो है एक मूवी जिसका नाम है द किसिंग बूथ का पार्ट 3। एंड पर्सनली मैं इस मूवी का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। आप कर रहे हो कि नहीं, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। एंड यस, ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी। फिर आता है 13 अगस्त, एंड इस दिन आपको जॉन डेविड वॉशिंगटन की क्राइम एक्शन मूवी देखने को मिलेगी जिसका नाम है बैक कैट, एंड ये मूवी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी। फिर आता है 20 अगस्त, एंड इस दिन आपको 2 शोज देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है द चेयर का सीजन 1, एंड ये सीरीज आपको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिलेगी। एंड दूसरी एक क्राइम एक्शन मूवी है जिसका नाम है स्वीट गर्ल, एंड इस मूवी के लीड में आपको देखने को मिलेंगे जेसन ममोआ, एंड ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी। फिर आता है 23 अगस्त, एंड इस दिन आपको एक एनिमे मूवी देखने को मिलने वाली है। मूवी का नाम है द विचर नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ, एंड इस मूवी के अंदर आपको गेराल्ट ऑफ रिविया के मेंटर वेस्मिर, यानी कि यंग वेस्मिर की स्टोरी देखने को मिलेगी। एंड इस मूवी को रिलीज करने का मोटिव बस यही है कि आपको वेस्मिर की स्टोरी क्लियर हो जाए, क्योंकि यही कैरेक्टर आपको द विचर के सीजन 2 में भी देखने को मिलने वाला है एक अच्छे खासे रोल में। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी, तो खैर कमेंट करो कि इस मूवी के लिए कौन कौन वेट कर रहा है। तो गाइस, ये है वो मूवी सीरीज जो कि आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर, एंड मोस्टली मैंने वही शोज कवर किए हैं जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेंगे। तो खैर, अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट जरूर करना, उसको हम आने वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।